ऐसा नहीं है कि उमेर के मैंने कभी सोचा ही नहीं चार साल में कि अच्छा मैं ड्रामा कभी नहीं करूंगी मैंने हमेशा से प्लान किया लेकिन आपको पता है कि जब आप फिल्म कर रहे होते हो तो आपका पूरा फोकस एक फिल्म पे होना चाहिए आप अपने कैरेक्टर में होते हैं तो है so, मुझे बस टाइम इस तरह से नहीं मिला कि तीफा इन की तीफा ट्रेवल अभी आई नहीं थी तो मुझे परहेट लव आ गई तो फिर वो की और उसके बाद मैं चाहती थी कि मैं कुछ डिफरेंट कैरेक्टर करूं ये डिफरेंट कहानी हो जो हमारी सोसाइटी को लेके ना एक डिफरेंट मैसेज uh, आए तो जब मुझे um, अब्दुल्ला सजे ने कॉल की आई um, ड्रीम से तो मुझे लगा कि अच्छा ये तो वही एक टिपिकल स्टोरी आएगी मुझे फिर ना करना पड़ेगा इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे स्क्रिप्ट है डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस है तो उन्होंने कहा कि ये फायज़ा इफ्तार का लिखावर अनुम शहजाद इसको डायरेक्ट कर रहे हैं अंजुम शहजाद के साथ मैंने अनफॉर्चुनेटली दस सालों में कभी काम नहीं किया था तो मुझे एकदम से लगा कि ये तो यही प्रोजेक्ट है जो मुझे करना है क्योंकि आपको पता है कि अंजुम हमेशा जो काम करते हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं और खानी उनका इतना खूबसूरत और इससे पहले भी तो मैंने कहा कि ये तो स्क्रिप्ट पढ़ने वाला फायज़ा इफ्तार ऑबियसली तो जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे याद है कि मेरे पास अभी आई थिंक टेन ट्वेल्व एपिसोड्स आई थी और मैंने वो एक रात में पढ़ ली थी क्योंकि इसमें आपको सास बहू नहीं नज़र आएगी इसमें आपको वो झगड़े नज़र नहीं आएंगे इसमें एक एक्स्ट्रा जो एक अफेयर्स चल रहे होते हैं ना एक दूसरे के साथ वो नज़र नहीं आएंगे ऐसा लगेगा कि ये कहानी आपको कहीं देखी हुई है कहीं सुनी हुई है क्योंकि मोहब्बत है मोहब्बत और नाम है इसका पहली सी मोहब्बत और पहली सी मोहब्बत हर एक ने की होती है किसी की मोहब्बत उनको मिल जाती है किसी की मोहब्बत सारी ज़िंदगी उनके दिलों में रह जाती है लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने जितना इंतजार किया तो वो मेरे लिए बहुत दृढ़ के चक्कर में तो नहीं पड़ गए ना पढ़ना पहले आप फिल्म में मुनवर के साथ आपकी जोड़ी बहुत मकबूल हुई और अब आप, आप दोनों टेलीविजन पे तो काम कर रहे हैं और ये एक तरह से दोनों ही का कम है टीवी पे। पर शरियार की वो क्या खूबी है आपके ख्याल में जो उन्हें एक बेहतरीन को स्टार बनाती है एक खूबी तो कहना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि उनमें बे इनतहा हैं वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं बहुत अच्छे एक्टर हैं बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं तो शरियार के साथ जब परे हट लाफ की थी तो मुझे लगा था कि यस वो आपकी केमिस्ट्री ना क्लिक कर जाती है तो आ, वहाँ पे मुझे लगा कि हम आगे भी काम कर सकते हैं लेकिन हमने ये प्लान नहीं किया था कि हम राइट आफ्टर परेड लव हम लोग ये कोई ड्रामा या कोई और प्रोजेक्ट कर रहे होंगे साथ में कुछ चीज़ें किस्मत में होती हैं लिखी होती हैं और वो हो जाती हैं और मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ मैं मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि मैं कुछ मैं चार साल के बाद काम कर रही हूँ वो आई थिंक छः साल के बाद, से बाद काम सेवन ईयर्स के वो सेवन ईयर्स के बाद टी कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है मैं इन्जॉय कर रही हूँ मज़ा आ रहा है और उनकी एक बड़ी मज़े की बात है कि वो खुद तो अपनी लाइन्स याद करते ही करते हैं वो दूसरों की भी याद उनको होती हैं तुमने गलत बोल दिया तुमने ऐसे कर दिया तुमने ऐसे कर दिया तो ये उनके लिए मतलब मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता है अगर मैं कुछ भूल भी जाऊँ तो फ़ौर से बता देते हैं वो आपको पता था कि वो इस ड्रामे में आपके साथ होंगे नहीं जब मुझे अब्दुल्ला ने कॉल की थी और

जो औरत है उसको जो है रोने धोने के अलावा रोल्स नहीं दिए जाते इसकी क्या वजह मैं इस बात से अग्री करती हूँ आपकी कि यहाँ पे औरतों को बहुत ज़्यादा मजलूम दिखा दिया जाता है मुझे नहीं लगता कि मेरा घर ऐसा है कि जिसमें एक औरत मजलूम है मेरी माँ जिन जो मेरे लिए एक रोल मॉडल है वो बहुत स्ट्रांग औरत है मेरी खाला है या मेरी फैमिली में आम, मुझे सिर्फ इतना लगता है कि आम, हमारी जो आवाम है ना उनको शायद अच्छा लगता है औरत को रुलाना या औरत को रोता हुआ देखना अगर कोई एक डिफरेंट चीज़ आती है जिसमें औरत नहीं रो रही होती तो मुझे ये लगता है कि लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आ रही होती फिर जो हमारे मेरी एक रिक्वेस्ट है प्रोडक्शन हाउस से भी कि प्लीज़ उसको औरत को थोड़ा सा स्ट्रांग तो दिखाएं अगर वो रो रही है तो उसके पीछे एक पर्पज़ होना चाहिए वो किसी बात से रो रही है ऐसे नहीं कि वो घर से निकली है तो रो रही है घर में आई है तो वो रो रही है Um, लेकिन जब मैं किसी से कहती हूँ ना कि डिफरेंट स्क्रिप्ट चाहिए या कुछ और तो वो कहते हैं उसकी तो रेटिंग ही नहीं आती तो मुझे ये समझ नहीं आता कि उसका ब्लेम हमें किसको देना चाहिए हमारी सोसाइटी को हमारे लोगों को या हमें ख़ुद को आ, लेकिन हमारी जो बाकी खातान हैं वो बहुत स्ट्रांग है मेरी अम्मा है और आ, मेरी फैमिली में बहुत और भी खातन है ट्रेंड चेंज हो रहा है डिफरेंट हो रहा है अभी एक फ़िल्म आई थी शुएब साहब की वरना उसमें अगर वो तकलीफ में थी तो एक वो स्ट्रॉन्ग भी दिखाई तो आई थिंक ये चीज़ होनी चाहिए और बननी चाहिए और इन मुझे लगता है कि आगे ऐसी होंगी चीज़ें जिससे आपको डिफरेंस नज़र आएगा शेब साहब की आपने बात की तो आप उनकी अगली फिल्म में काम कर रही हैं उस फिल्म के बारे में कुछ बताएं कि वो क्या है किस हवाले से जितना बता सकते हैं आपको पता है कि शेब साहब की फिल्म्स किस तरह की होती हैं और मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा खूबसूरत सोशल इश्यूज़ को कोई नहीं दिखा सकता जिस तरह से वो दिखाते हैं जितनी खूबसूरती के साथ जब ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊँगी लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि इस तरह की भी फिल्म या इस तरह का टॉपिक अभी तक नहीं बना और मेरा मेरा जो कैरेक्टर है वो मैंने अभी तक नहीं किया और मैं चाहती थी कि मैं कुछ डिफरेंट करूँ मेरे लिए बहुत मुश्किल भी है एक तो शुएब साहब और दूसरा मैं जब फिल्म करने जा रही हूँ तो इसमें बहुत डिफरेंट तरीके से मुझे काम करना है मेरी अभी जो मेरा एक्सेंट है उर्दू का उस पर भी शुएब साहब बहुत काम करवा रहे हैं और ये आपको आई थिंक एक दो महीने में पता चलेगा कि वो किस बारे में और किस तरह से है गुज्त दो सालों में सबसे जो दो बड़ी फिल्में हैं उनकी लीड हीरोइन आप हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से साल कोई बड़ी फिल्म नहीं आई है आप फिल्मों का फ्यूचर इस पेंडेमिक के बाद कहाँ देखती हैं मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये कोविड हमेशा रहेगा Uh, मेरी तो दुआ है कि ये सब कुछ ख़त्म हो जाए लेकिन ये भी सच है कि बहुत फिल्म इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ है बहुत बड़ी बड़ी फिल्म्स जो थी इस साल आने वाली थी वो रुक गई हैं और ऑब्वियसली उनको रोकना भी पड़ा ख़ुद को क्योंकि जितना पैसा उन फिल्मों पे लगा होता अगर वो लगा भी दें इवन दो आज वैसे ही आपको पता है कि सोशल मीडिया पर या वैसे आप, यूजली आपको ऐसी बहुत सी आ, मैं उसे क्या नेटफ्लिक्स को या अमेज़ोन को उस पर फिल्म आ जाती हैं लेकिन चूँकि हमारा वो नहीं है सिस्टम अभी बना हुआ तो हम लोगों को अपनी फिल्म को रोकना पड़ेगा अब लोग बहुत लोगों ने बहुत मेहनत से काम किया है बहुत पैसा इन्वेस्ट हुआ हुआ है आ, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले साल इन होगा ये सब फिल्में आएंगी दोबारा दोबारा से सिनेमाज़ बहाल होंगे और अभी जिस ना साहब की फिल्म जा रही है शूट पे और भी बहुत सी फिल्म्स ऑलरेडी शूट पर हैं तो देर है पर अंधेर नहीं सोशल मीडिया की आप बात कर रही हैं तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ प्यार भी मिलता है और नफरत भी किस तरह आप मैनेज करती हैं एक्सप्रेशन देख रहे हैं आप <laughs> मुझे अभी समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ क्योंकि प्यार तो बहुत मिलता है नो डाउट कि आप आपसे वो लोग भी बात कर लेते हैं जो यूजली आपसे नहीं मिल पाते लेकिन अगर मैं नफ़रत की नफ़रत बड़ा एक वर्ड हो जाएगा क्रिटिसिज्म जैसे मैं कहूँगी वो तो खुल के मिलता है ना आपको जिनको नहीं भी पता कि काम क्या है एक्टिंग क्या है आप कौन है आप क्या नहीं करते वो भी आपको आप वहाँ बैठ के बता रहे होते हैं आम, कभी आपको लगता है कि आम, इनको देख देखने के बाद आपको स्ट्रेस डिप्रेशन होता है लेकिन कभी आप इसको कहते हो कि नहीं मे बी आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो लेकिन जो आम जिनके लिए आप काम कर रहे हैं वो आपको किसी और तरह से देखना चाहते हैं लेकिन जब अल्फाज जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो लिटरली दिल पे लगते हैं और उससे दुख भी होता है कि हम लोग दिन रात एक करके एंटरटेन कर रहे होते हैं और इन्हीं लोगों को एंटरटेन कर रहे होते हैं लेकिन जजमेंटल लोग हैं वो आग, कहानी बाद में सुनेंगे और फैसला पहले सुना देंगे तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट है इस शो के थ्रू भी कि प्लीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि जजमेंटल मत हूँ क्योंकि आपको नहीं पता किसी की कहानी क्या है कौन क्या कर रहा है तो अगर आप किसी का दुख खत्म नहीं कर सकते कम नहीं कर सकते किसी की तकलीफ तो उसको बढ़ाएं भी मत अपने लफ्ज़ों से